be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. What's up guys, kaise aap sab log, welcome back to another gameplay video. Aaj hum khelne wale hain Minecraft, aur Minecraft khelne ke liye hum apna single player world banana hoga, aur ye main apne world ka naam rakhna hoga, humko ek acha sa uska main naam apne name se milta julta rakhunga. Ye maine rakh diya hai apna naam apne world ka, aur ab hamara ye world create hona shuru ho gaya hai. और अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में, तब तक हम वेट करते हैं इसका क्रिएट होने में. हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, अब हम किसी भी एक रैंडम लोकेशन पे स्पॉन होंगे. और अभी हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है तो अब हम रैंडम लोकेशन पे स्पॉन होने वाले हैं, और ये अब हम ज्वाइन हो रहे हैं अपने वर्ल्ड में. और एक लोकेशन अब हमें चूज़ करनी होगी कहाँ स्पॉन होंगे, और वो हम रैंडमली हो जाएंगे. तो अब हम वेट करते हैं, जब हम रैंडमली स्पॉन हो जाएंगे एक जगह, तो वहीं से हम अपना सर्वाइवल स्टार्ट कर सकते हैं. और अब ये हम स्पॉन हो गए एक रैंडम लोकेशन पर, अब यहाँ से हमें अपना सर्वाइवल स्टार्ट करना होगा. और ये कुछ एक हाईलैंड और एक डेजर्ट का मिक्सचर सा लग रहा है. वहाँ उस साइड पे डेजर्ट दिख रहा है मेरे को, और इस साइड पे एक हाईलैंड दिख रहा है, तो मैं तो हाईलैंड की साइड जाऊँगा क्योंकि मुझे ट्रीज चाहिए आज के बिल्ड के लिए. और आज का बिल्ड हमारा होने वाला है हमारा एक घर. और कल की वीडियो में मैं आपको एक अपने टूल्स बनाऊँगा, आयरन के टूल्स बनाऊँगा और आयरन के आर्मर बनाऊँगा, और केव में भी जाऊँगा आयरन ढूंढने के लिए आपके सामने. और आज की वीडियो में हम अपना घर बनाएंगे और थोड़े से वो बनाएंगे टूल्स बेसिक. और उसके लिए मैं पहले अपना वुड काट लेता हूँ, और ये मैं और ये मैंने वुड काट लिया, एक पेड़ मैंने तोड़ लिया है. अब जल्दी से मैं अपनी बैकपैक में जाता हूँ और इसमें जाके जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ. प्लैंक्स बना लिए इससे बहुत सारे, और यह मैं इससे जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ. और ये क्राफ्टिंग टेबल आ गया, अब मैं इसमें क्राफ्टिंग बुक में जाके थोड़ा सा स्टिक्स बना लेता हूँ. वैसे तो स्टिक्स की रेसिपी बहुत इजी है, पर फिर भी मैं इसको देख के बना लेता हूँ. तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना थोड़ा सा क्राफ्टिंग टेबल को सेटअप कर देता हूँ यहाँ पर. और अब मैं जल्दी से जाके इसमें स्टोन की स्वॉर्ड बना लेता हूँ. एक वो ही नहीं बनानी है, हमें एक एक्स बनानी है. और यहाँ पे पिकैक्स नहीं दिख रहा मेरे को, ये रहा पिकैक्स. और ये मैंने बना लिया एक पिकैक्स. अब मैं इसको क्लोज करता हूँ जल्दी से, और जल्दी से मैं और पेड़ काट लेता हूँ, और फिर मैं स्टोन माइन करने जाऊँगा क्योंकि मुझे आज के अपने घर बनाने के लिए स्टोन की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं जल्दी से अब पहले तो अपना वो काट लेता हूँ वुड लॉग्स अपनी एक्स का इस्तेमाल करके. और ये वुड लॉग्स मैंने अपनी एक्स का यूज़ करके वुड लॉग्स काटना स्टार्ट कर दिया है, और मैं बहुत सारे वुड लॉग्स काटने वाला हूँ. और यही कुछ हाफ एंड स्टैक, हाफ स्टैक में काट लेता हूँ वुड को, और आपसे मैं हाफ स्टैक काटने के बाद. तो गाइस जैसा ही मैंने आपसे कहा था, मैं वुड लॉग्स काटने के बाद आपसे मिलता हूँ. ये मैंने अपने वुड लॉग्स काट लिए हैं, और मैंने थोड़े से बिर्च लॉग्स भी काटे हैं जिससे मैं अपने गेट और गेट बना सकूँ, जिससे हम अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकें. और अब हम चलते हैं किसी एक छोटी सी केव में, या हम अपनी खुद की एक केव बना लेते हैं छोटी सी, जिससे हम कॉबल स्टोन माइन करने जा पाएँ. और ये मुझे क्या दिख गया, ये मुझे दिख गया एक शीप्स का क्राउड. तो मैं जल्दी से इन शीप्स को मार लेता हूँ अपनी शॉर्ट से, और क्योंकि इन शीप के वूल से मैं अपने लिए बेड बना सकता हूँ, बेड से मैं अपना स्पॉन सेट कर सकता हूँ.
और जब मैं मरा करूँगा तो मैं उसी जगह रिस्पॉन हुआ करूँगा जहाँ पे मेरा घर होगा या यहाँ पे मेरा बेड होगा। और ये मैं इस गाय को भी मार दूंगा क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मीट मिलेगा जिससे मैं अपना भूखा ना रहूँ। और अब ये मैं इस गाय को भी मार देता हूँ जिससे मुझे बीफ मिले थोड़ा सा। तो मैं जल्दी से इस गाय को भी मारता हूँ। ये गाय भाग बहुत रहा है। ये मैंने गाय मार दिया, इससे मुझे लेदर भी मिलने के चांसेस रहते हैं, पर इसने मुझे लेदर ड्रॉप करके दिया नहीं है। तो अब मैं जल्दी से कहीं ढूंढता हूँ केव वेव जिससे मैं वहाँ पर माइनिंग पे जा सकूँ केव में। ये लोकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सारी चीज़ें हैं। ये मेरे को केव भी मिल गया। अब मैं जल्दी से इसमें माइनिंग पे आ जाता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ से बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने वाला हूँ। आप बोर हो जाएंगे इसके लिए, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़े से कॉबलस्टोन माइन करने के। अब मैंने कॉबलस्टोन माइन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं घर बनाते हैं अपना और थोड़े से आयरन स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। स्टोन के टूल्स बनाने के लिए हमें पहले स्टिक्स बनानी होंगी जिससे मैं स्टिक्स से और थोड़े टूल्स बना सकूँ अपने आयरन के। तो आयरन की सॉरी आयरन नहीं थोड़े स्टोन के। और ये मैंने पहले क्राफ्ट कर लिया अपनी स्वॉर्ड नाउ एक्स। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी तो पिकैक्स तो पूरी चली गई थी माइनिंग के टाइम पे, तो मुझे पिकैक्स तो बिल्कुल न्यू ही बनानी पड़ेगी। और ये वी गो। अब मेरे पास 45 कॉबल स्टोन्स हैं और मैं जल्दी से इन वुड लॉग्स का भी प्लैंक बना लेता हूँ। और यही कुछ मुझे 10 वुड लॉग्स बचाने होंगे अपने घर के वाले बिल्ड के लिए। तो मैं 10 लॉग्स को बचा लेता हूँ, मैं इतनी नहीं बचा लेता हूँ जिससे मुझे कम ना पड़े कोई भी चीज़। और मैं इनको अपनी इन्वेंट्री में ही रख लेता हूँ जिससे मुझे बार बार अपने बैकपैक को खोलना ना पड़े। और ये पिकैक्स भी मैं यहीं पर रख लेता हूँ। तो हियर वी गो। अब हम चलते हैं अपने घर बनाने की तरफ। तो अब ये मैं अपना घर बनाना चाहूँगा ये ओपन एरिया में। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्लैंक्स लगाने की से। तो अब मैं अपना पहला लॉग लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने लगाया आई हैव टू क्राफ्ट अ बेड ऑल्सो। सो अब मुझे एक बेड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बेड नहीं बनाऊँगा तो मैं रात को सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, और सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा तो मुझे मॉन्स्टर्स मार देंगे, और मॉन्स्टर मार देंगे तो अभी तो मेरा स्पॉन सेट भी नहीं है। तो अभी मेरा स्पॉन सेट हो गया है और हमारी एडवांसमेंट भी अनलॉक हो गई है स्वीट ड्रीम्स की। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब हम जहाँ पे हमने एंड किया था अपना वहीं से अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। ये दो लॉग्स लग गए, तीन साथी के साथ ही प्लैंक्स भी लगा देता हूँ पूरे में जहाँ जहाँ पर मुझे लगाने हैं। और ये प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि मैं प्लैंक्स कैसे लगाने वाला हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने खुद ही सोचा है तो मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा। आशा करता हूँ कि अच्छा ही लगे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके सोचा है। तो अब मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करेगा और शेयर भी करिएगा। तो मैं यहाँ साथी के साथ ही कॉबल स्टोन्स भी लगा देता हूँ। और कॉबल स्टोन मुझे कुछ ऐसी लगानी है जैसे मैं इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में लगाने वाला हूँ अपनी चीज़ों को। और ये मैं टॉप लेयर बनाना चाहूँगा अपने कॉबल स्टोन्स की। और ये मैं थोड़ा विलेज ही थीम में बनाने वाला हूँ, जैसे विलेजर्स के घर होते हैं ना मैं वैसे ही बनाने वाला हूँ थोड़ा। और अभी हम आगे चलते हैं और ये थोड़ा लगा दिया मैंने। अब मुझे यहीं से पूरा ज्वाइन करते जाना है आगे की तरफ। और ये गलत लग गया है मेरे से गलती से। और ये विको। और ऐसे ही मुझे पूरा लगाते जाना है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ मुझे कैसे लगाना है।
और जो साइड वेज होगा वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं स्किप कर दूंगा पार्ट। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेन में कैसे लगाने वाला हूँ ये साइड वाला पार्ट। तो मैं कुछ ऐसे लगाने वाला हूँ, मैं पहले लगाऊंगा एक कॉबल स्टोन, फिर उसके ऊपर प्लैंक ऐसे करके। पर ये मैं दो प्लैंक नहीं लगाऊंगा यहाँ पे एक साथ, मैं एक को तोड़ दूंगा और अपनी पिकैक्स से इसको भी तोड़ दूंगा कॉबल स्टोन को। ये दो और एक कॉबल स्टोन की जरूरत है मेरे को, कॉबल स्टोन यहाँ, कॉबल स्टोन वहाँ और एक प्लैंक ऊपर। ये लगाया मैंने एक प्लैंक और ये कंटिन्यूस प्रोसेस मैं दोनों साइड करूँगा। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता इसलिए मैं ये प्रोसेस को स्किप करता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ इसको करने के बाद। गाइस अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ। और ये मेरे को बनाते बनाते रात हो गया तो मैं जल्दी से पहले तो सो जाता हूँ और फिर आपसे सुबह होते हुए मिलता हूँ। तो अब गाइस सुबह हो चुका है, अब मुझे बनाना है ये वाला बैक और ये रूफ। तो बैक में बनाऊँगा सेम जैसा मैंने फ्रंट बनाया था वैसे बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे कॉबल स्टोन की जरूरत होगा, लगा देता हूँ यहाँ पे। फिल करना होगा ये एरिया और हमें जल्दी जल्दी काटना होगा। जो निकाला है उसको यहीं लगा देता हूँ।
केव ढूंढना है जहाँ से मैं पहले लाया था ये सारा चीज़ कॉबलस्टोन्स, वहाँ से मुझे थोड़ा सा कोल भी लाना है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और कॉबलस्टोन को माइन करके लाते हैं। नहीं नहीं गाइस, हम कर ली जाएंगे अपनी केव में। मैं आज सस्पेंस इसका ख़त्म करना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कॉबल स्टोन लेके बढ़ जाता हूँ। लुक्स वाइज ऐसा घर लग रहा है। अगली वीडियो में मैं इसको अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और वीडियो बताइएगा कैसी लगी आपको। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।